Hello student, how are you? Fine. I hope you are fit and fine, है ना? चलो आज हम ऋषि का र उसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं, है ना? वापस एक बार सिखाती हूँ उसको लिखना कैसे है। चलो ऐसे पहले सीधी लाइन की, फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन, एक दूसरी क्रॉस लाइन, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ के ऐसे बना दिया, हो गया ऋषि का र। ओके, आज आगे का एक्सरसाइज हम देखेंगे। आपको पेज नंबर, वर्कबुक का पेज नंबर 13 मीन्स 13 निकालना है। उसमें आपको ऐसा फर्स्ट ऐसा ड्रॉ करके दिया हुआ है और ये वर्ड्स के साथ ये वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड्स बनाना है हमें, है ना? यहाँ रू ऐसे दिया है, उसके साथ इसको मैच करके यहाँ पे लिखना है, है ना? लिखेंगे ना हम लोग। चलो तो शुरू हो जाइए। ये लिया रू तू राज, पहले ऐसे रू लिख दिया तू राज, उसके बाद ये लिया रू तू, ऋतु में सीजन, है ना? आपके तीन सीजन है ना, हाँ। फिर रू तू वर्णन, ओके, तो ऋतु वर्णन ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद है ऋषि, है ना? हम हिंदी में बोलते हैं तो ऋषि बोलते हैं और गुजराती में ऋषि बोलते हैं। ऋतु पर्ण, ये रू ले लिया, फिर ये वर्ड्स ले लिया यहाँ पे और हमने दोनों को साथ में बिठा दिया तो हमारा एक नया वर्ड्स बन गया। और रूम, ओके, हाँ, इसके साथ ये मिलाया तो एक नया वर्ड्स बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा रू जहाँ से जो वर्ड से ये रू से शुरू होते हैं और ये रू का एक सिंबल भी है, ऊपर ये लिखा हुआ है छोटा सा, नीचे सी जैसा बनाना है, उससे भी शुरू होता है वर्ड से, वहाँ पे हमें क्या करना है, राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे घुवड़ ही, तो नहीं वो ऋतु से शुरू होता है, नहीं ऋतु का ऐसा सी वाला सिंबल आता है, तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे मृगराज वर्ड से, तो मृगराज में नीचे माँ के नीचे ऐसा है ना, तो वो हमारा ये रू वाला ही वर्ड माना जाएगा, तो हम वहाँ पे ऐसे क्योंकि उसका सिंबल आया ना तो राइट कर दिया। उसके बाद गृह देवता, तो उसके नीचे भी ग के नीचे ऐसा रू का सिंबल आया तो हमारा वो भी राइट है वर्ड, तो हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे जुआर, तो जुआर में हमारा रू आता भी नहीं है, उसका सिंबल भी नहीं आता है, तो वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे बाद में देखेंगे नीचे की साइड में गृह प्रवेश, तो उसके नीचे ग के नीचे वापस रू का सिंबल आया है तो सिंबल भी आएगा तो भी वो उसी से माना जाएगा वही अल्फाबेट से, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद मुगट, तो मुगट में तो म है, हमारा रू कहीं पे नहीं आता है, उसके ऊपर जाएंगे तो ऋषभ है, तो ये अल्फाबेट वैसा ही आया, उसका सिंबल नहीं आया पर अल्फाबेट आया, तो वहाँ पे भी हम राइट कर देंगे। उसके नीचे वर्कबुक में देखिए बच्चों, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, उसके ऊपर उसके नेम है और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ड्राइंग दिया गया है। देखो यहाँ मृग ऐसा चित्र है और उसका वर्ड से जो लिखा हुआ वो ऊपर है, ढूंढ के हमें इसमें लिखना है। फर्स्ट में मृग घास खाए, दूसरा चित्र है हमारा वृक्ष का, तो चकली वृक्ष पर थी उड़ी, फिर ये किसका चित्र है दिखाई दिया, हाँ ऋषि का, तो ऋषि यज्ञ करता है मीन्स ऋषि हम बोलेंगे। फिर नृप उदार रहता, चित्र किसका है नृप का। उसके बाद वापस फिलिंग द ब्लैंक से, उसमें आपको तीन वर्ड्स दिए हैं बराबर, उसमें से राइट हमारा रू वाला कौन सा वर्ड है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। ओके, उसके बाद नीचे वापस आपको क्या है ऐसा, यहाँ तीन और यहाँ दो चित्र है, फिर यहाँ हमें वो नाम भी ढूंढना है चित्र के हिसाब से और वो नाम हमें यहाँ पे लिखना है। पहली लाइन में ये चित्र किसका है, श्रृगाल का है मीन्स सियार गुजराती में कहिए और इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ हमने ढूंढा है और यहाँ आपको लिख के बताया। अब वापस देखेंगे उस लाइन में तो किसका चित्र है ग्रुप का, फिर यहाँ वो वर्ड्स ढूंढेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर वृषभ का चित्र है तो यहाँ कहाँ पे वृषभ बनता है वर्ड्स, फिर वो वर्ड्स बनाएंगे, उसको हम ऐसे चौरस में कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ऐसे वृक्ष करेंगे और नीचे वृषभ करेंगे। ओके, वीडियो में से दोबारा देखिए, नहीं पता चले तो, और बाद में आपको पीडीएफ भी भेजी जाएगी उसमें से भी देख के लिख लेना।
चलो बच्चे बाय, अगली बार हम नया अल्फाबेट और ढूंढेंगे, लिखेंगे है ना, नया सीखेंगे है ना। चलो रेडी हो ना नया सीखने के लिए, चलो बाय, तब तक के लिए खेल।